भगवान शंकर से पार्वती ने यही बात पूछी कि जो राम का नाम लेने वाले हैं और राम के प्रचार में राम नाम में ही लीन हैं, तो उनकी पहचान क्या है? तो भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने, कि हे पार्वती, राम नाम सब जग जपे ठग ठाकुर और चोर। चोर भी चोरी करने जाता है तो कहता है, हे राम, आज चोरी में अच्छी चोरी हो जाए तो सुबह 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो राम नाम तो ठग भी जपते हैं, ठाकुर भी जपते हैं और चोर भी जपते हैं, तो कैसे पहचान करोगी तुम कि ये राम का सच्चा भक्त है या ठग ठाकुर और चोर है? तो पार्वती कह रहे हैं, महाराज आप बताओ। कहते, देखो मैं बता रहा हूँ, पहचान देख लेना आप उसकी। उमा जो राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत कैसन करें विरोध। कहते जो राम का नाम ले रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उनको मिलेगा कुछ नहीं, तीन चीज़ें चली जाएंगी उनके पास से, खो जाएंगी उनकी तीन चीज़ें। तो पार्वती ने कहा, कौन कौन सी चीज़ें महाराज? कहते जो उमा जो राम चरण रथ, जो वाकई राम में उसकी सच्ची भक्ति में रथ हो गए हैं, लीन हो गए हैं, तो पहली चीज़ क्या जाएगी? विगत काम, उनके अंदर कोई कामना नहीं रहेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, किसी के पैर नहीं पकड़ेंगे, तो वो एक तो कामना से रहित हो जाएंगे, विगत काम, और एक अहंकार नहीं होगा उनके अंदर, सारा अहंकार चला जाएगा, हर एक के साथ विनम्रता से बात करेंगे। और इस तरह जैसे सुकरात था कि मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माय इग्नोरेंस वाइडेंस, मैं जितना लोगों से जितना मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ तो उतना ही मेरे अंदर ये आ जाता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तो जिसके अंदर विद्या दिजाति विनयम, जिसके अंदर ये विनय आ जाए और अहंकार दूर हो जाए तो मद उसका चला जाएगा, और तीसरी चीज़ क्रोध उसको नहीं आएगा, वो क्रोध से छूट जाएगा, और निज प्रभु में देखें जगत, वो सारी चीज़ में अपने भगवान का रूप देखेगा, इसलिए कोई उसका दुश्मन नहीं बनेगा, वो दुश्मन को भी कोशिश करेगा कि मैं इसका दोस्त बना लूँ। तो जब ये चीज़ आ जाए तो समझ लो राम, तब तो आदमी सिद्ध पुरुष बन गया, तब तो सच्चा भक्त बन गया, नहीं तो स्वार्थ के लिए ठग ठाकुर टोड़ सभी जपते हैं।